आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास एम एंड लेंथ 5a इज फ्री टू रोटेट ऑन अ स्मूथ टेबल अबाउट अ पाइवट थ्रू पी अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए पी इज इक्वल टू ए। अ पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग ऑन द टेबल स्ट्राइक्स ए बी परपेंडिकुलर टू द पॉइंट 2a फ्रॉम पी विद स्पीड v। द रॉड बींग एट रेस्ट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन देम इज 1/4 फाइंड देयर स्पीड्स इमिडिएटली आफ्टर इम्पैक्ट। तो क्वेश्चन में हमें दिया यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रॉड है ए बी जिसका मास क्या है स्मॉल m और लेंथ क्या है 5a। तो ये फ्री है रोटेट करने के लिए ऑन अ स्मूथ टेबल हॉरिजॉन्टल टेबल अबाउट अ पाइवट पी। ये पी इसके यहाँ से फिक्स्ड है रोटेट करने के लिए। तो ए पी का डिस्टेंस क्या है ए पी है ए और एक पार्टिकल है जिसका मास 2m है वो मूव कर रहा है विद स्पीड v। वो स्ट्राइक करता है डिस्टेंस 2a फ्रॉम द पाइवट पॉइंट p। ठीक है, तो ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन दिया है यहाँ पे 1/4। तो फाइंड करना हमने क्या स्पीड इमिडिएटली आफ्टर इम्पैक्ट। तो इसको फाइंड करने क्या करते हैं, जैसे देखिए ये जो पाइवट पॉइंट है ठीक है, तो इसके अबाउट क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट जो ये लाइन है, तो जब कोलाइड करते हैं यहाँ पे ठीक है, जब कोलाइड करता है तो क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल आया और यहाँ पे कोलाइड किया तो इस पर इम्पल्स लगता है कुछ आई और इस पर लगता है यहाँ पे कुछ आई और यहाँ पे जब पाइवट पॉइंट है यहाँ पे भी क्या होता है कुछ इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, जो कि तो क्या करते हैं हम लोग इस पॉइंट के अबाउट एक्सेस ले लेते हैं ऐसे ताकि जो फोर्स है यहाँ पे रहे एक्सेस पे रहे तो उसके वजह से जो टॉर्क होता है वो जीरो हो जाए क्योंकि वो एक्सेस पे। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इम्पल्स है वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम मान लेंगे हम लोग। ठीक है, ये पूरा क्या सिस्टम, तो इससे क्या होगा टॉर्क अबाउट जो पॉइंट पी है वो क्या होता है जीरो होता है। ठीक है, तो जो एल होगा वो क्या होगा कंजर्व्ड होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। ठीक है, एकदम जैसे फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, उस तरह से टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। तो क्या होता है यहाँ पे एल आई इज इक्वल टू एल एफ। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, पे देखिए मान लीजिए कि ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी वी ऐसा इसका कुछ ऐसे वी और डिस्टेंस क्या है 2a। ठीक है, मास क्या 2m, तो 2m इंटू वी इंटू आर क्या इसका 2a। ठीक है, अब ये r है और इधर v है। ठीक है, तो r क्रॉस v जो है वो आउटसाइड द प्लेन है, तो आउटसाइड द प्लेन को हम क्या करते हैं पॉजिटिव मानते हैं, आउटसाइड द पेपर पॉजिटिव। ठीक है, तो प्लस इज इक्वल टू फाइनली क्या होता है, और ये तो रेस्ट पे था तो जीरो होगा उसका। फाइनली क्या होता है, मान लीजिए कि फाइनली ओमेगा से रोटेट करने लगता है। ठीक है, जैसे कोलाइड करता है तो कुछ ऐसा होता है सिस्टम, यहाँ पर पी है और ये रोटेट करने लगता है ओमेगा से। ठीक है, और ये जो है ये मूव करने लगता है यू से, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि यू से मूव करने लगता है। ठीक है, ऐसा एज्यूम करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है 2m into v into 2a is equal to, अब यहाँ पे r वही है 2a लेकिन इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, तो r cos करते तो into the plane आता है तो नेगेटिव, तो माइनस 2m into v into u into 2a प्लस i अबाउट पॉइंट p into ओमेगा। लिखते हैं यहाँ पे से 4mva is equal to माइनस 4mu into a प्लस ip ओमेगा। अब पॉइंट p के अबाउट इनर्सा क्या आई पी, देखिए सेंटर ऑफ मास के पास का इनर्सा क्या है सिस्टम का, सेंटर ऑफ मास के पास अबाउट है m इंटू लेंथ 5a स्क्वायर बाय 12। ठीक है, वो क्या होगा सेंटर ऑफ मास होगा इसका रॉड का कुछ ऐसा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है 5a बाय 2 पे और ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे से ये a से, तो यहाँ पे क्या होगा ये वाला 5a बाई टू माइनस ए यानी कि
3a/2, ठीक है, जो डिस्टेंस है क्या है 3a/2। तो IP = ICM + MD², जो कि होता था m × 5a² / 12 + m × 3a/2². तो ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये 25ma² / 12 + 9ma² / 4 × 3 करते हैं, तो यहाँ पे ये होता है 27, ठीक है, / 12 which is equal to 52ma² / 12, ठीक है। तो ये हो जाता है 4 3 4 13। तो IP = 13ma² / 3। तो पुट करते हैं हम लोग इसको इसी क्वेश्चन में, यहाँ से क्या होता है 4mv = -4mua + 13ma² / 3 ω। ये क्वेश्चन है और दिया हुआ हम लोग को यहाँ पे, देखिए m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आता है हम लोग का 4v = -4u + 13ωa/3। रिलेशन वन, ठीक है, ऐसा मान लेते रिलेशन वन लीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन है e वो क्या है 1/4, तो ई का हम लोग यूज करते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोलाइड करता है, ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो ये दिया 1/4। अब देखिए इनिशियली कंडीशन कुछ ऐसा था, वी से अप्रोच कर रहा था और कोलाइड करने के बाद कुछ ऐसा हो गया कि ओमेगा से रोटेट करने लग गया, डिस्टेंस क्या है 2a और ये यू से रिटर्न करने लग गया। तो यहाँ पे होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है ω × 2a, ठीक है। तो यहाँ से होता है ω × 2a + u/v = 1/4, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2ωa + u = 1/4v। और इक्वेशन था हम लोग का 4v = -4u + 13ωa/3 और ये आ गया हम लोग यहाँ से v/4 = u + 2ωa। तो 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आते हैं 4 8, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी 5v = 13/3 + 8ωa, तो ये हो जाएगा 13 24 37/3ωa। यानी ओमेगा यहाँ से क्या निकल के आता है 15v/37, ω = 15v/37a, ठीक है, यह आता है। और u क्या होता है, u जो होता है यहाँ पे देखिए, अब इसी क्वेश्चन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, v = 4u + 8ωa। तो v = 4u + 8ωa क्या है, ओमेगा इंटू ये क्या है 8 × 15v/37, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है v - 8 × 15, ठीक है, 120v/37 = 4u। तो यहाँ से क्या आता है 4u = 37 - 120/37 × 4v, यहाँ से क्या आता है u = -83/148v और ω = 15/37v/a। ये होता है इन लोग का फाइनल वेलोसिटीज इमीडिएटली आफ्टर इंपैक्ट। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।